तेल तिलहन पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि मलेशिया और इंडोनेशिया में सीपीओ तेल के भाव बढ़े हैं। भारत में ड्यूटी कट से कीमतों में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। वहीं खाने के तेलों में ग्लोबल मांग अब भी मजबूत बनी हुई है और बायोडीजल के लिए भी अच्छी मांग से कीमतों को सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। वहीं कनाडा में बिनौला की फसल पर असर से खाने के तेल पर सपोर्ट मिल रहा है और पावर क्राइसिस से मिलों के उत्पादन पर असर पड़ा है। त्योहारों पर मजबूत घरेलू डिमांड से भी खाने के तेल को सहारा मिल रहा है। हाल ही में मूंगफली पर सी का सर्वे आया है जिसमें गुजरात में मूंगफली की फसल मजबूत रहने का अनुमान जताया गया है। मूंगफली का उत्पादन बढ़कर 38.55 लाख टन संभव है। बुआई घटने के बावजूद भी मूंगफली का उत्पादन बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।